प्रधानमंत्री जी का होना मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज तक जितने विवादित जितने ज्वलंत विषय थे उनका समाधान करने का कार्य किया। प्रधानमंत्री जी की वजह से ही धारा 370 समाप्त हुई। क्या किसी और सरकार में ये हिम्मत थी धारा 370 को हटा सके? क्या किसी और सरकार में ये इच्छा शक्ति थी कि वो राम मंदिर का निर्माण कर सके? क्या किसी और सरकार में ये इच्छा शक्ति थी कि वो नारी शक्ति अधिनियम को वो लागू कर सके? तो जब इन तमाम कार्यों को किया गया, जहां महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालयों का निर्माण करवाया गया, तो वहीं उनके स्वास्थ्य के लिए उज्ज्वला योजना दी गई, वहीं कोई गरीब परिवार स्वास्थ्य लाभ से वंचित ना रह जाए आर्थिक कठिनाइयों की वजह से आयुष्मान योजना भी दी गई। तो इन तमाम विषयों ने जहां जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ाया, वहीं मोदी की गारंटी पर लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। तो ये जो संकल्प पत्र आया है, ये वो विश्वास है जिसको आने वाले 5 सालों में पूरा किया जाएगा। हिंदी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि चुनावी जुमला है। भाई ये लोग जुमलेबाजी अपनी बताए ना, यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो ये लोग मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं विधानसभा के चुनाव का। इनमें से कौन बनने जा रहा है भैया प्रधानमंत्री? क्या इनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है? कितने विधायक है इन लोगों के देश भर में? क्या कितने सांसद है इन लोगों के देश भर में? तो जिस तरीके से ये लोग भारत के संघीय ढांचे पर ही विश्वास नहीं रखते, हर पार्टी अपना अलग मैनिफेस्टो लेकर आ रही है, कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम का इन लोगों ने जिक्र नहीं किया। कांग्रेस अलग लेकर आ रही है तो राजद अलग लेकर आ रही है, और 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। कैसे जनरेट करेंगे ये लोग रोजगार? कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे? कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे? इसका जिक्र भी कहीं पे नहीं किया गया। तो भाई बोलने में क्या जाता, आप 1 करोड़ क्या, आप 140 करोड़ की आबादी में 150 करोड़ लोगों को नौकरी दे दीजिए, बोलने में क्या जाए?